नमस्कार दोस्तों, मैंने जो ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कराया था और मेरा जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट कर ली गई थी, और एक्सेप्ट होने के बाद पूरे 6 दिन के बाद मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर जो डिटेल्स है सक्सेसफुल अपडेट हो चुकी है। अगर आपने भी ऑनलाइन करेक्शन कराया है और आपका जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट तो कर ली गई है, लेकिन उसके तुरंत बाद आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है अपडेट नहीं होगी। इसको अपडेट होने में करीब 1 वीक तक का टाइम लग सकता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि मेरा जो डिटेल्स है सक्सेसफुल अपडेट हो चुकी है। तो फाइनली दोस्तों, मैंने जो वोटर कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन किया था उसका आज फाइनली अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हो इसकी डेट, मैंने किस तारीख को सबमिट किया था फॉर्म को और यहाँ पर किस डेट को बेलो अपॉइंटमेंट हुआ था, इसके बाद से वेरीफाइड हुआ था, इसके बाद से 15 फरवरी 2021 को एक्सेप्ट किया गया था मेरा जो फॉर्म है। इसके बाद है आज है 21 फरवरी, मतलब 6 दिन के बाद मेरा जो वोटर कार्ड है डिटेल सक्सेसफुल अपडेट हो चुकी है। अगर आपने भी ऑनलाइन सबमिट किया है और आपका भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया है तो आपको 1 वीक तक का वेट करना है। 1 वीक के अंदर आपका जो डिटेल्स है अपडेट कर दी जाएगी। इसके बाद से आप ऑनलाइन इसको बाई पोस्ट से न्यू वाला जो वोटर कार्ड है मंगा सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको डिटेल्स चेक कर लेना है। इसके बाद से आपको इसी पोर्टल में आ जाना है, यहाँ पर लॉगिन हो जाना है, इसके बाद से यहाँ पर क्लिक कर देना है जो न्यू वाला है उसमें, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के ये वाला कैप्चा डाल के और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक कर देना है, अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो मेरी जो डिटेल्स है यहाँ पर अपडेट कर दी गई है सक्सेसफुली।